हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां से हम लोग दार्जिलिंग के लिए जाएंगे। ये हमारी ट्रेन थी, हम लोग उतर चुके हैं इस ट्रेन से। अब हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। ये हमारे बशीर भाई, संतोष भाई खड़े हैं। और ये देखो, न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन है। एस्केलेटर वगैरह लगा हुआ है और ये छोटी सी दुकान है। यहाँ पर वेदर तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ हम लोग स्टेशन से निकलते हुए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग कोई व्हीकल लेंगे। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए। हमने कार बुक कर लिया था और ये हमारे शेरपा भाई हैं जो हमारे ड्राइवर हैं। हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। और ये हमारे बशीर भाई एंड संतोष भाई। और शेरपा भाई कुछ खाते हुए, मस्त आदमी हैं। अब देखते हैं आगे का नज़ारा क्या क्या होता है, कैसे कैसे है, आप सबको इंजॉय कराते हैं। और अभी हम लोग हाईवे पे हैं। अरे बड़ा बड़ा यही रोमांच है दार्जिलिंग। रोमांच है। अरे थोड़ा वो करो ना, साइड में रखो, सबको जाम करके रख दो। हमारा टूर कट रहा है। इसके बाद हम चलेंगे दार्जिलिंग की वादियों में। ये हमारे गार्ड साहब, हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये और शेरपा भाई गुस्से में पूरा धुआं फेंक रहा है। इसका लोड ज्यादा है लग रहा है। और ये मस्त, अरे पूरा धुआं फेंक दे। सो खूबसूरत प्लेस है भैया, ये होती है माउंटेन की चढ़ाई मस्त वाली, गोल गोल। ये छोटा सा झरना, इसको झरना बोल सकते हैं, छोटा सा, कभी ऊपर कभी नीचे। उसमें जो माउंटेन पे जो घर बने होते हैं ना, और भी अल्टीमेट लगते हैं। वो देखो खूबसूरत सा झरना,
अब रास्ते में दिखेगा झरना ही झरना। ये देखो बादल, देखो यार पहाड़ पे गिरे पड़े हैं भाई, ऐसा चीज कहाँ मिलेगा देखने को। हम लोग बादल में जा रहे हैं और हमारे शेरपा भाई, शेरपा भाई का नाम ही पासंग भाई है। ओफ ओफ भैया, शिमला से तो मेरे को बेटर लग रहा है ये, सुपर। और शिखर जुबा केसरी बहुत सारे दिखेंगे आपको यहाँ पे, जो लोग रहते हैं उनको तो बहुत मजा आता होगा। एरो केरिया और ये देखो यार विजिबिलिटी देखो कितनी कम हो रही है, विजिबिलिटी 2:30 बजे का ये नजारा है, पूरा फोगी सा हो रहा है यार। ये देखो एकदम जीरो विजिबिलिटी हो गई है, सामने हमारे कार जा रही है बट जीरो विजिबिलिटी हो जा रही है। लाइटों में कैसे रहते हैं तो खाली बादल बादल दिखता है। दूसरे एक होटल में हम लोग रुके हुए हैं खाने के लिए रास्ते में, ये भी हुआ और यही रास्ता से दूसरे हम लोग आए थे। डर भी लग रहा है मोबाइल ना गिर जाए, बहुत खूबसूरत है यहाँ। बैठ कर के लिया जाए, एक झरना भी बह रहा है, आवाज़ आ रही होगी शायद। रास्ते पे बकरियां आ गई हैं, बकरियां आ गई। अबे यार बस ही यहाँ फोटो लेते हैं यार, शेरपा भाई कुछ जुगाड़ करो यार। नजारा देखते जाओ यार, क्या मस्त मस्त नजारे हैं भाई।
नहीं रहा। हाँ ये देखो यार, अभी हम लोग नीचे से आए हैं, नीचे देखो बादल कितने हो रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक स्पॉट पे, इतना मस्त व्यू है। इस व्यू को हम लोग कैप्चर करने के लिए आए हुए हैं। क्या 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 मस्त है, ये रोड भी है, ये देखो यार दोस्तों। और ये देखो नज़ारे। ओए पीछे आ भाई, तू कहाँ जा रहा है यार? अरे यार और हम लोग यहाँ से कुछ फ़ोटो क्लिक करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत ये देखिए 360 में, चाय की पत्तियाँ हैं 360 में, मैं दिखा रहा हूँ 360 में, देखिए बहुत ही सुंदर ना। हेलो अभी चढ़ा दीजिए, सब चढ़ा नहीं है, कोई चढ़ाए नहीं है। छोटा झरना, झरने का पानी से ना नहाना है। देखिए भैया पानी भी, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, तो रास्ते आ चुका है। वैसे वेदर ऐसा है कि क्या बताऊं, रंग और घटाए हैं। अभी हमारे क्या होते टाइम क्या हो रहा होगा, 4 बजे ये हाल है। ऐसा लगता शाम
दार्जिलिंग में एंटर हो चुके हैं, यही है दार्जिलिंग। यहाँ कॉस्मोस मॉल बहुत फेमस है ना, मॉल हाँ मॉल है कॉस्मोस मॉल। ये है दार्जिलिंग। गर्म कपड़े यहाँ बढ़िया किधर मिलते हैं? ये पाइजा भी मिल जाएगा और घूम में मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा घूम में मिलेगा, घूम में तो। और ये एक मॉल रोड में मिलेगा, हांगकांग मार्केट क्या है? हांगकांग मार्केट सिलगुड़ी। ये हमारा घंटाघर और ये नीचे का भी, ये घंटाघर, ये पूरे दार्जिलिंग सामने मॉल रोड है। हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो सीरीज की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने होटल रूम में, बेड्स, एक छोटा सा अलमीरा, वाटर जग एंड स्मॉल टेबल, और ये थोड़ा सा छोटा सा सोफा, और ये रहा व्यू हमारा, और इधर एक अच्छी सी बालकनी है, आप इधर देख सकते हैं बालकनी का व्यू। ये मॉल रोड सामने जा सकते हैं, सोसो है होटल, सामने घंटाघर है, बस सिंपल है, सोबर है, नज़ारे हैं, अच्छा लग रहा है। वैसे बालकनी है हर का, आप किसी भी बालकनी में जा सकते हैं टप टप के पहाड़ जैसे देख लो, बसी भाई अंदर बैठे हुए हैं।